दोस्तों आइए आज जानते हैं कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाएं, हैरान रह जाएंगे आप। भारत सरकार की परमाणु भट्टी के बिना सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में सर्वाधिक विकिरण पाया जाता है। शिवलिंग भी परमाणु भट्टी जैसी है, इसलिए उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वह शांत रहे। महादेव के सभी पसंदीदा भोजन जैसे बिलपत्र, अकामद, धतूरा, गुड़ आदि सभी परमाणु ऊर्जा सोखने वाले हैं। क्योंकि शिवलिंग पर पानी भी रिएक्टिव होता है, इसलिए ड्रेनेज ट्यूब क्रॉस नहीं होती। भाभा अणु भट्टी की संरचना भी शिवलिंग की तरह है। नदी के बहते जल के साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल औषधि का रूप लेता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमसे कहा करते थे कि महादेव शिव शंकर नाराज हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। देखें कि हमारी परंपराओं के पीछे विज्ञान कितना गहरा है। जिस संस्कृति से हम पैदा हुए हैं वही सनातन है। विज्ञान को परंपरा का आधार पहनाया गया है ताकि ये प्रवृत्ति बने और हम भारतीय हमेशा वैज्ञानिक जीवन जीते रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में केदारनाथ से रामेश्वर तक एक ही सीधी रेखा में बने महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी विज्ञान और तकनीक थी जो हम आज तक समझ नहीं पाए। उत्तराखंड के केदारनाथ, तेलंगाना के कैलाशवरम, आंध्र प्रदेश के कैलाश्वर, तमिलनाडु के एकम्बरेश्वरम, चिदम्बरम और अंत में रामेश्वर मंदिर रेखा की सीधी रेखा में बने हैं। ये सभी मंदिर प्रकृति के पांच तत्वों में लैंगिक अभिव्यक्ति दिखाते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत का अर्थ है पृथ्वी, जल, अग्नि, गैस और अवकाश। इन पांच शिवलिंगों की स्थापना की गई है। तिरुवने कवाल मंदिर में पानी का प्रतिनिधित्व है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुमलमपई में है, कालहस्ती में पवन दिखाई जाती है, कांचीपुरम और अंत में पृथ्वी का प्रतिनिधित्व हुआ चिदम्बरम मंदिर में। अवकाश या आकाश का प्रतिनिधित्व वास्तुकला, विज्ञान, वेदों या अद्भुत समागम दर्शाते हैं। ये पांच मंदिर भौगोलिक दृष्टि से भी खास हैं। ये मंदिर, इन पांच मंदिरों का निर्माण योग विज्ञान के अनुसार किया गया है और एक दूसरे के साथ एक विशेष भौगोलिक संरेखन में रखा गया है। इसके पीछे कोई विज्ञान होना चाहिए जो मानव शरीर को प्रभावित करे। मंदिरों का निर्माण लगभग 5000 साल पहले हुआ था, जब उन स्थानों के अक्षांश को मापने के लिए उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर पांच मंदिर इतने सटीक कैसे स्थापित हुए, इसका जवाब भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वर की दूरी 2383 किलोमीटर है, लेकिन ये सभी मंदिर लगभग एक समांतर रेखा में हैं। आखिरकार ये आज भी एक ही रहस्य है कि किस तकनीक से इन मंदिरों का निर्माण हजारों साल पहले समांतर रेखाओं में किया गया था। श्री कालहस्ती मंदिर में छिपा दीपक बताता है कि ये हवा में एक तत्व है। त्रिवेणिका मंदिर के अंदर पठार पर पानी की स्प्रिंग संकेत देते हैं कि वे पानी के अवयव हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर बड़े दीपक से पता चलता है कि ये अग्नि तत्व है। कांचीपुरम की रेती आत्म तत्व, पृथ्वी तत्व और चिदम्बरम की असहाय अवस्था, भगवान की असहायता अर्थात आकाश तत्व की ओर संकेत करती है। अब ये कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया के पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले लिंगों को सदियों पहले एक ही पंक्ति में स्थापित किया गया था। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आधुनिक विज्ञान भी नहीं पहचान सका। माना जाता है कि सिर्फ ये पांच मंदिर ही नहीं बल्कि इस लाइन में कई मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वर तक सीधी लाइन में आते हैं। इस पंक्ति को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहते हैं। शायद ये सभी मंदिर 81.3119 डिग्री ईस्वी में आने वाले कैलाश को देखते हुए बने हैं। इसका जवाब सिर्फ भगवान शिव ही जानते हैं। आश्चर्यजनक कथा महाकाल उज्जैन में शेष ज्योतिर्लिंग के बीच संबंधी दूरी देखें। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमा शंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिका अर्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वर 1999 किलोमीटर, उज्जैन से
ग्रीनेश्वर 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में कुछ भी बिना कारण के नहीं किया जाता। सनातन धर्म में हजारों वर्षों से माने जाने वाले उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, इसलिए उज्जैन से सूर्य और ज्योतिष की गणना के लिए लगभग 2050 वर्ष पूर्व मानव निर्मित उपकरण बनाए गए थे। और जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने 100 साल पहले पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा बनाई तो उसका मध्य भाग उज्जैन गया। उज्जैन में आज भी वैज्ञानिक सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी लेते हैं। बोलो हर हर महादेव। ऐसे ही और नए फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।